नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखेंगे, है ना, दो से तीन क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों आज इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 3, 6 और 8 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। दोस्तों दिया क्या है आपके पास, पहले लिख लें, R1 बराबर दिया है, R2 बराबर दिया है और R3 बराबर दिया है। ये लिख लें, R1 बराबर कितना ओम, 3 ओम, और ये 6 ओम, ठीक है, और दोस्तों 8 ओम, ठीक है, ओम लिख लिए, है ना, 3 ओम है दोस्तों ये, है ना। ये हो गया क्या प्रतिरोध, कि 3 प्रतिरोध दिए हैं R1, R2 और R3। सबसे पहले तो श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में कितना होता है दोस्तों, तो श्रेणी क्रम में होता है तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 + R2 + R3। R1 की वैल्यू 3, R2 की वैल्यू 6 और R3 की वैल्यू 8। टोटल ऐड कर दें दोस्तों कितना हो जाएगा, 6, 3, 9 और 9, 8, 17 ओम। यही हो गया आपका क्या उत्तर, क्या हो गया उत्तर, मतलब आंसर आ गया। अब दोस्तों समांतर क्रम, समांतर क्रम में हम बात करें, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों, ये व्यंजक में मैंने कराया था, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये हो गया, अब इसमें वैल्यू रख दें, वैल्यू कितना कितना रखेंगे, 1/2 + 1/3 + 1/6 + 1/8। अब इनके एलसीएम की बात करें दोस्तों, तो 3, 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो 24 होगा, तो कितना होगा, तो 24 होगा, क्योंकि सभी 24 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 24 सभी से विभाजित है। अब यदि 3 का भाग दें 24 को, 24 से तो 8 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई तो ये 8 × 1 = 8। 6 का भाग देंगे 24 से तो 4 आएगा, 4 × 1 = 4। 8 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 × 1 = 3। कुल मिला के दोस्तों आंसर कितना आया, तो 8, 6, 14 और 14 कितना होता है दोस्तों, 8, 8, 4, 8, 4, 12, 3, 15, 15/24। यदि काटना चाहो तो 3 से कट रहा है क्या, 3 × 5 = 15 और 8 × 3 = 24, मतलब 5/8, 5/8 क्या हो गया, 8, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। यदि इसको डिवाइड भी कर देना तो 1.6 ओम आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये पहला क्वेश्चन, कि श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध और समांतर क्रम में कितना प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र आपको याद रखना है और समांतर क्रम के लिए ये व्यंजक है दोस्तों, 12th क्लास में फिजिक्स में, है ना। यदि आप अभी पहली बार देख रहे हैं तो आप पूरा वीडियो देख लें प्लेलिस्ट में, जिससे आपको पूरा समझ में आए। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, 2, 3, 6 ओम के प्रतिरोधों को चित्र में जोड़ें, किस प्रकार जोड़ें कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। कहने का मतलब दोस्तों, जो भी दिया है आपको लिख लेना है, R1 = 2 ओम, ठीक है, R2 = 3 ओम, ठीक है, R3 = 6 ओम और तुल्य प्रतिरोध R = 4 ओम लाना है। तो सबसे पहले दोस्तों R1 व R2 को अपन समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो जोड़िए कितना हो जाएगा दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 1/2 + 1/3। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 × 1 = 3, ठीक है दोस्तों, और इसके बाद 3 को अपन 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 × 2 = 5, 5/6। तो अब देखिए दोस्तों, इसको हमने किया तो ऑलरेडी ये नहीं आ रहा, तो अब आप क्या करिए, अब आपको करना है कि इसको इसको हमने जोड़ा तो एक सम आना चाहिए, क्योंकि हमको 4 लाना है। अब देख लीजिए ना, 5/6 इसमें कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा है। मैं आपको इसको करके दिखा दिया कि आपको सोचेंगे कि सर इसी को डायरेक्ट क्यों ले लिए, तो आप मैं R1 = 1/R1 + 1/R3 ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब दोस्तों कोई जरूरी नहीं कि आप इसको, अब देखिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 3 है, तीनों को तुल्य जोड़ना है, तुल्य जोड़ने, तीनों को एक साथ जोड़ दे तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना, दो दो जोड़कर अपन देख रहे हैं। तो चलिए इसमें मैं जोड़कर दिखाता हूँ आपको, प्रूव करता हूँ, 1/2 + 1/6, तो दोस्तों कितना हो जाएगा जानते हैं, इतना ये हो जाएगा एलसीएम 6 और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और 1, 4/6, इसको भी डिवाइड करने पर सम नहीं आ रहा, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब दोस्तों एक ही चीज बच गया, क्या क्या बच गया, तो R2 और R3, ठीक है, R2 और R3 को जोड़ना है, ठीक है ना, R2 और R3 को जोड़ना है, 1/R = 1/R2 + 1/R3, इसको कैलकुलेट करें, 1/3 1/6, इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों तो जानते हैं कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे जब अपन तो आ जाएगा एलसीएम 6
और दोस्तों यहाँ से तीन दो, तो दो एक कम दो हो जाएगा प्लस एक, मतलब दोस्तों आ गया 3/6। डिवाइड कर दें तो 1/2, मतलब आर बराबर कितना आ गया दोस्तों 1/2, यानी आर इक्वल कितना आ गया 2, आर इक्वल कितना हो गया 2, 2 आ गया ना आपके पास। और एक और प्रतिरोध है कितना 2। अब दोस्तों एक आर आ गया 2 और आर वन 2 है और तुल्य प्रतिरोध आर है, समझ गए ना। तो ये दो जो हमको प्राप्त हुआ और जो दो प्रतिरोध है इसको जोड़ दें दोस्तों तो उस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ अब समझिएगा, अब चित्र के माध्यम से समझेंगे कि हमने दो प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा, समांतर क्रम में दो प्रतिरोध को जोड़ दिया। एक का था दोस्तों कितना, एक का था 3 और एक का था 6। अब इसका परिणाम ही आया 2। अब हमको 2 4 लाना है तो उसको किस क्रम में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में। तो एक प्रतिरोध हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ये 2 ओम पहले से था ना, और इसको मैंने समांतर क्रम में जोड़ा। अब इसका टोटल प्रतिरोध आया 2 और टोटल प्रतिरोध 2 और 2 2 कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं और डायग्राम बना सकते हैं। पेपर में आएगा तो इसी प्रकार डायग्राम बनाना है, ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा क्या है दोस्तों ओवर राइटिंग कर दिया, इसलिए आप थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना लीजिएगा, है ना। तो मैंने सारे प्रतिरोधों को क्रम से जोड़कर सिखाया आपको कि सारे प्रतिरोध, पहले मैंने क्या किया दोस्तों, पहले मैंने पहले और दूसरे को जोड़ा तो देखा तो सही नहीं आ रहा है। फिर मैंने क्या क्या किया, पहले और तीसरे को जोड़ा तो देखा सही नहीं आ रहा, फिर मैंने दूसरे और तीसरे को जोड़कर देखा तो सही आ गया। कुल मिला के आपको भी चेक करना पड़ेगा पेपर में, इसलिए मैं सारा चेक करके, मैं तो चाहूँ तो दोस्तों डायरेक्ट बता सकता था, क्योंकि एक और मैं 2 और 3 को जोड़ करके डायरेक्ट ला सकता था, लेकिन आपको ये सारी चीजें बताया ताकि आपको समझ में आए। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन, निम्न परिपथ में प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 4 ओम है, मतलब टोटल कितना दोस्तों 4 ओम। तो यहाँ पर दोस्तों आर की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो आर की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, कैसे समझिएगा थोड़ा सा। ये दोनों दोस्तों इसको मान लेते हैं आर वन, इसको मान लेते हैं आर टू, इसको मान लेते हैं आर थ्री, और टोटल आर दिया हुआ है। आर वन बराबर 2 ओम, 2 ओम है, आर टू बराबर भी 2 ओम है, ठीक है, और आर थ्री हमको क्या करना है निकालना है, और टोटल परिणामी कितना है 4। अब दोस्तों सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि समांतर क्रम में है। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है दोस्तों, 1/r1 प्लस 1/r2, समांतर क्रम संयोजन की बात कर रहा हूँ। किस क्रम की बात कर रहा हूँ, समांतर क्रम संयोजन की। तो 1/2 प्लस 1/2, इसको ऐड करेंगे तो 2/2, कुल मिला कितना आ गया दोस्तों 1। अब ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में। तो ये दोस्तों परिणामी 1 है और कितना है r3, ये दोस्तों टोटल आर है। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू दी हुई है, कितनी है दोस्तों 4 ओम। तो 4 बराबर 1 प्लस r3, दोस्तों r3 निकालना है तो 4 में घटा दो तो 3 आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। यहाँ का कितना आएगा 3 आ जाएगा। कैसे कैसे आया तो समझिएगा, पहले ये दोनों क्या थे, दोनों थे समांतर क्रम में, तो मैंने समांतर क्रम में प्रतिरोध निकाल दिया, समांतर क्रम में क्या निकाल दिया प्रतिरोध, और दोस्तों ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसका टोटल प्रतिरोध आया था, ये डायग्राम मतलब ये चतुर्भुज दिख रहा है ना आपको, दो प्रतिरोध, इसका टोटल प्रतिरोध आया था कितना, इसका टोटल प्रतिरोध आया था 1, और दोस्तों इसको इसको मिलाकर 4 है, तो यहाँ पर कितना होगा तो 4 हो सकता है, तो 1 था तो 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। कुल मिला के आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 और r3 मिलाकर 4 आएगा, मतलब 4 बराबर 1 धन r3, तो r3 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा समझ में ये भी आ गया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ कि अच्छा लगेगा। और क्या है दोस्तों आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप पूरा देखेंगे, पिछले वाले वीडियो भी आप देखे होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3 वीडियो में डाल चुका हूँ इस चैप्टर के ऑलरेडी, तो आप सारे क्वेश्चन को अटेंड करें। और कई लोगों का ना NCERT कराएं तो बिल्कुल चिंता ना करें, कहीं से भी उठा लें क्वेश्चन हर जगह मिल जाएगा आपको, है ना। NCERT लें चाहे किसी का बुक ले लें, थोड़ा क्या है कि क्वेश्चन का टाइप वही रहता है, बस दोस्तों अंक चेंजेस रहते हैं, क्योंकि जैसे MP में लागू है तो कुछ इसमें क्वेश्चन सेम है बट कुछ क्वेश्चन के सिस्टम और विधि सब वही रहता है, अंक चेंज रहता है, इसलिए आप लोग इस विधि से अपने बुक्स के सारे क्वेश्चन हल करें। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक की जय हिंद, वंदे मातरम।